यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्टोरी हमने पहले भी की थी किछामा में, जो यहाँ ट्रैश जमा हो गया था सैलाब के बाद, जिससे लोगों को यहाँ अंदेशा था, बीमारी फैलने का खतरा था, यहाँ मुर्दा जानवर थे और इसे सैलाब आने का भी खतरा रहता था यहाँ पर। मतलब नज़दीकी दरियाव नज़दीकी ज़मीन ज़रात अपने मना पकन अपर से, मतलब अगर अपर बदबू और मशुक अपर ग सफाई वगैरह ग। इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि स्ट्रेस की जल्द अज जल्द सफाई हो, ताकि यहाँ बीमारी से लोग बचें और सैलाबों का खतरा यहाँ पर न रहे। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनाब फारूक अहमद गिलानी से रब्ता करें और उन्हें कॉल करें, उन पर दबाव बनाए कि स्ट्रेस की जल्द अज जल्द सफाई करें। तो जब हमने ये स्टोरी की, यहाँ के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनाब फारूक अहमद गिलानी साहब से हमने बात भी की इस ज़मन में, फ़ोन पे उनके साथ रब्ता हो गया, जिन्होंने हमें एश्योरेंस दी थी कि हम यहाँ पर जल्द अज जल्द काम लगाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ आज काम चल रहा है, यहाँ सफाई का काम चल रहा है और लोग राहत की सांस ले रहे हैं। लोअर जेल में टेंडर टेंडर काम नहीं है, वजह से जमा साफ कर जमा पा गाड़ी मे लिफ्ट कर जानवर वानवर ये वे बेमार तम लिफ्ट कर बोन पे डेड बॉडी कर जमीन तल दफन तो हम बोन जालन डंपिंग सेफ एरिया। आफ्टर फ्लड्स आयो तुम स्टोरी कवर तुम वो ये और पे गो तुम लोअर जहल कें हुकाम नश और तम पतन तमो आज तुम बुथ तमो लाज पे यम और तुम आज बिल्कुल क्लियरेंस कराए। एक्सपेक्टेशन है विद इन टू मंथ से पूरा सफाई सुथराई का काम कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को इस परेशानी से निजात मिलेगी, यहाँ बीमारी फैलने का अंदेशा नहीं रहेगा। मैं किछामा बारामूला से मीर यासीन, इंडिया अनहर्ड के लिए।